हाय फ्रेंड्स, आप सबका शेफ नादिर चैनल में स्वागत है। तो आज हम और एक डिश के साथ आपके सामने आए हैं। ये आज जो है तंदूर का एक डिश बनाएंगे स्पेशल, अच्छा वाला ईरानी कबाब, जिसको आप लोग होटलों में बहुत तरह खाए भी होंगे और फंक्शन वगैरह में भी खाए होंगे आप लोग। तो उसका हम आपको रेसिपी बताएंगे जो घर बैठे ही आप अपने घर पे मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं। यह वेराइटी डिश है और हमारे साथ में आप सहयोग करेंगे हमारे शेफ सत्या और शेफ आबिद। ये हैं, आपको ये पूरे प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये आप कम मसाला मार्केट में अवेलेबल सामान जो आप घर में भी अवेलेबल रहता है उस हिसाब से आप अपने घर में भी बना सकते हैं और होटल वाले शेफ लोग जो है वो अपने तरीके से भी वो बना सकते हैं और जो उसमें अगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं सामान तो वो कर सकते हैं। तो फिर फिलहाल इतना आप सब मतलब ज़्यादा बात ना करते हुए हम प्रोसेस के तरफ हम जाएंगे। आप देखते रहिए, देख सकते हैं हम कैसे बनाते हैं। शुरू कर चिकन आप देख सकते हैं आपका फ्रेश जो है मतलब कटिंग वाला है। इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाले हुए हैं और इसके बाद में जो है क्या क्या डालने के लिए जा रहे हैं, देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट आप कर सकते हैं और दूसरा लींबू है, ये लींबू है और ये दही है, दही ये आप घर में भी पाया जा सकता है। और ये आपका काजू का पेस्ट है, ठीक है, काजू बादाम। और ये आपका ऑयल है, सलाड ऑयल है या आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या आपका कुकिंग ऑयल घर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये है दहीना पेस्ट, दहीना पेस्ट बोले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिल सकता है, कभी भी कहीं भी मिल सकता है किसी स्टोर में। अब ये उसका पेस्ट यही है, ठीक है। और आपका ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है उसका क्रश है, पाउडर किया हुआ, पूरा तरह से पाउडर ना करें, थोड़ा जस्ट जो है उसको टूटा हुआ रखते हैं। और बाद में ये आपका साल्ट, ये सामान सारे से जो है मिक्स करके हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी प्रोसेस चलो आप डालो, तो इसको अच्छी तरह से जो है पूरा मिक्स करें आप, नींबू और नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में ये थोड़ा टाइम के लिए आप इसको छोड़ दें, और 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि वो नमक जो है अच्छी तरह से मीट जो है पकड़ ले। तो 10 मिनट के लिए जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट जैसे हो गया आप चिकन मैरिनेशन। अब इसमें जो हम डालेंगे सबसे पहले दही डालेंगे, दही का एक चम्मच दही और थोड़ा ले लीजिए क्योंकि चिकन का हिसाब से जो है आपका जितना चाहिए उस हिसाब से। तो फिर आप हम नेक्स्ट डालेंगे काजू, काजू का पेस्ट डाल दिए, फिर आपका ब्लैक पेपर दो हाफ टी स्पून का ले लीजिए। पूरी अच्छी तरह से देखें हम कितना डाल रहे हैं, इसमें 10 पीस चिकन है और एक स्पून जो है आपका दहीना पेस्ट और हाफ टू स्पून जो है दहीना, जैसे कि टोटल डेढ़ चम्मच जो है आपका दहीना डाल दिए हम। और फिर नेक्स्ट जो है आपको ऑयल डालेंगे, ऑयल और एक हाफ स्पून और एक फुल स्पून, ठीक है। अब इसको मिक्स करते हैं पूरे अच्छी तरह से, अब इसको पूरे मिला लें, पूरे सामान को जो है आप बराबर करके दही के साथ जो है अच्छी तरह मैरिनेट किया हुआ वाला चिकन अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो गया, अब ये देख सकते हैं जिस तरह पूरे तरह से अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको पूरी मसाला जो है मिक्स हो गया, फिर जो हम इसको पूरी तरह से मिक्स करके रख लेते हैं ताकि ये मसाला जो है चिकन पूरी तरह से अच्छे से पकड़ ले, ताकि हमको खाने में टेस्ट आए, अंदर तक मसाला जो है पूरे चले जाए। तो फ्रेंड्स अब फिर स्टार्ट करेंगे इसको, जैसे 10 मिनट अब हो चुका है ऑलरेडी, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए कम्बी में सरिया में जो है चिकन डालेंगे, इस तरह से आप डाल लीजिए। पूरे चिकन को अच्छी तरह से आप डाल सकते हैं ताकि हम उसको आग में जो है पका सकें ग्रिलर में। तो पूरा जो है बराबर उसको सेट कर चुके हैं, अब हम इसको आग भड़का चुके हैं तंदूर का मतलब ग्रिलर में जो है
आप इसको ईंट रख कर के भी जो दो चार ईंट रख कर के भी जो है अब इसको कोयला हो लकड़ी हो डालकर इसको आग जला सकते हैं। आप जला करके इसका चिंगारी ख़त्म होने के बाद में जो है आप थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने कुक मतलब चिकन को जो है पकाएं और ना जल जाएगा। तो आप आगे देखिए हम इसको पकाते हैं। अब इसको हम आग का ऊपर रख दिए हैं, देख सकते हैं आप। आप इसको अगर तंदूर का होटल के शेफ लोग हैं तो तंदूर का खम्भी में भी आप लगा के जो है तंदूर के अंदर कुक कर सकते हैं। तो ये हम अभी अल्फाम ग्रिलर के ऊपर जो है आप उसको डाल के इसको पका रहे हैं बराबर। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। हाँ, तो ये अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये पूरे अच्छी तरह से जो है कुक हो चुका है। तो आप इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में। निकालने के लिए जा रहे हैं शेफ, आप हम निकालें। अब रोस्ट हो चुका है, अब इसको निकालते हैं। हमारा फूड जो है बनके तैयार है। अब आप इसको जो है खूबसूरती के लिए इसमें गार्निश लगा सकते हैं ताकि आपके आए हुए मेहमान को खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत मज़ा आए। होटल के फ्रेंड्स भी इसमें गार्निश लगा सकते हैं अपने तरीके से। गार्निश बना के आपको सेट करके प्लेट में दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं हमारे शेफ जो है गार्निश करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है तो वीडियो जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप। ये हम आप कुकुम्बर से बना रहे हैं, इसको हम प्लेट में जो है गार्निश डालेंगे। इसके साइड में हम आपको डाल के सेट करके दिखाएंगे। हमारा डिश जो है बनके तैयार है, आप जैसे देख रहे हैं। और ये कुकुम्बर का भी है, और ये आप जो देख रहे हैं ये टमाटर है, उसके अंदर आपका जो है मिंट चटनी है, पुदीना का चटनी है। और इसको आप अपने घर बैठे भी जैसे हम मैंने बताया था कि आपके सामने तैयार है। तो आप इस तरह हर वीडियो को हमारे देखते रहें। अगर और कोई भी आपको जिसका डाउट है जिस फूड के बारे में आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम फूड लेकर आएंगे अपने हिसाब से। अगर इसमें कुछ गलती है या फिर आपको कुछ डाउट है कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारा दो शेफ जो है हमारा बहुत हेल्प किया आपके सामने। तो आप जो है देख सकते हो, उनके लिए भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।